अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है राहित फैसल और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि इससे पहले हमने जो क्रिकेट स्टेडियम है बांग्लादेश का उस पे रिएक्शन नहीं किया। ये एक नया स्टेडियम बनने वाला है, तो देखते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह के स्टेडियम बनते हैं, क्या लोकेशन होती है, किस तरह का वो मतलब कितना क्राउड इसमें होता है, कितने फ्लोर का होता है और मतलब किस तरह का बनाया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन इसका टाइटल मैं बताता हूँ, वो भूल गया, बंगा बंधु नेशनल स्टेडियम न्यू डिज़ाइन BNC। तो देखते हैं कि इसमें देखने को हमें क्या मिलता है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। আপনারা দেখছেন আপলিট বাংলাদেশ আর সাথে রয়েছে আমি রুবেল। আজ অনেক দিন পর এই স্টেডিয়ামের এখানে এসেছি। ये तो स्क्रीन है, ये तो होना चाहिए आजकल हर जगह। স্টেডিয়ামটির অবস্থান ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল এলাকার জাতীয় মসজিদ। बिल्कुल ঢাকা সিটি কে দরমিয়ান মে বানায়া যা রাহা হ্যায়। স্টেডিয়ামটি নির্মিত হয়েছে 1954 সালে। আর আপনারা জানেন বর্তমানে চলছে এই স্টেডিয়ামের বড়। जिस तरह इंग्लैंड का एक मेरे ख्याल में লর্ডস স্টেডিয়াম है, उसमें इस तरह का डिजाइन है। এই মাটি তবে প্রতিবারই সংস্কার হয়েছে কোন না কোন আন্তর্জাতিক অথবা ঘরোয়া টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহু সাক্ষী বহন করে আসা এই স্টেডিয়ামের বর্তমান অবস্থা দেখলে মনে হবে কোন ধ্বংসস্তূপ। তবে এই ধ্বংসস্তূপ বদলে बिल्कुल पीछे आपको मस्जिद नजर आ रहा है, जो पवेलियन हो सकता है इसके बिल्कुल। ओ यार कितना प्यारी जगह है यार, सामने मस्जिद भी है और ये भी है, नाइस यार, आउटस्टैंडिंग। তাতে বেশ কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। লোহার ফ্রেমগুলো বসানোর কাজটি শেষ হলে এর যে নান্দনিকতা সেটি ফুটে উঠতে শুরু করবে। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা হকি মেরে খেলানে হকি গ্রাউন্ড অবকাঠামো ঠিক রেখে চলছে সংস্কার কাজ, যেখানে সবচেয়ে ব্যয় হচ্ছে পুরো গ্যালারিতে শেড বসাতে। तो बिल्कुल साथ ही टच हुआ है हॉकी का जो ग्राउंड है। अगर इधर पुल बनाया जाए तो एक जगह से दूसरी जगह आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। गैलरी के दर्शकों के बसार स्थान गुलो हां ये जगह अच्छी है, VIP जो होता है ना वो जगह है, यहां पर VIP लोग बैठते हैं। गैलरी अनेकटा भेंगे फेला হচ্ছে আর শেড নির্মাণ কাজ শেষ হলে প্রয়োজন অনুযায়ী লাগানো হবে ফ্ল্যাড লাইট, সেই ক্ষেত্রে বাড়ার সম্ভাবনা আছে পিলারে। আচ্ছা লাইটস अभी तक हमें नजर नहीं आई ना, तो लाइट्स हो सकता है इसके बाद यहां पर बनाए जाए। ঢাকার ব্যস্ততম এলাকা মতিঝিলে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিয়ে মাথা লাইট তো হবে জরুর বানাই তো জরুর যায়। বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাসে ক্রিকেট ফুটবলের পাশাপাশি এশিয়া কাপ হকি আর্চারি অ্যাথলেটিক্স यार হকি কা গ্রাউন্ড यार দেখলে কিতনা প্যারা হ্যায় यार আউটস্ট্যান্ডিং। এখানে গ্যালারিতে যে চেয়ারগুলো রয়েছে সেগুলো এখন আর ব্যবহারের উপযোগী নেই। মূল মাঠের কাজটিও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। बहुत बड़ा ग्राउंड है लेकिन जब आप ऊपर से देखते हैं आपको छोटा नजर आता है, लेकिन जब आप नीचे से देखते हैं तो बहुत बड़ा है। দেখা যেত অল্প বৃষ্টিতেই মাঠে পানি জমে খেলা পন্ডুল হয়ে যেত। গ্যালারির উপরে ছাদ না থাকায় রোদ বৃষ্টিতে দর্শকদের অনেক কষ্ট পোহাতে হতো। তবে সংস্কার কাজ শেষ হলে জাতীয় স্টেডিয়াম পাবে ইউরোপীয় এক রূপ। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेडियम पुराना है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको मतलब दोबारा रिन्यू कर रहे हैं, उसमें फ्लोर्स बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा लाइटिंग वगैरह मेरे ख्याल में या पवेलियन को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पुराना स्टेडियम है। विदेशी स्टॉप करता हूँ जरा इसको देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेडियम पहले क्रिकेट का नहीं था। जो ये है ना, ये जो रोड सा नज़र आता है जो होते जहाँ पर मतलब ओलंपिक वगैरह जिस तरह के गेम होते हैं ना, नेशनल गेम्स जिस तरह होते हैं, जिस तरह आप फुटबॉल भी कह सकते हो उसमें, आप रनिंग वाला गेम भी होता है उसमें, तो ये जो डिज़ाइन है वो उस तरह का है जिस तरह ये जो है ना ये ट्रैक जो बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैक वो रनिंग वाला है और जो दरमियान में ये वाली जगह है ना, जो ये मुझे फुटबॉल का ग्राउंड जो है वो लग रहा है। आप देख ले बिल्कुल इधर भी फुटबॉल जैसा वो चीज़ बनी हुई है, तो ये मुझे लग रहा है जिस तरह नेशनल्स गेम एक सिटी के होते, एक कंट्री के होते हैं या ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, उधर जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होता है, तो ये मुझे उस तरह का लग रहा है। क्योंकि आप इसको देख ले राइट साइड पे भी आप देख ले एक सीधी सी लाइन बनाएंगी जो जंप वगैरह करने के लिए होती है, तो हो सकता है कि ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि क्रिकेट ग्राउंड हो पहले, हमें नहीं पता, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे ओवरऑल अच्छी जगह है, सामने जो पवेलियन है बहुत ही प्यारा है। तूले फैला हुए थी तो 14 इंच पर्यंत माटी ईट खुआ और অন্যান্য সরঞ্জাম। देखिए फुटबॉल है ना, আধুনিকায়নের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। মূল মাঠের চারপাশে অ্যাথলেটিক ট্র্যাকটি
নতুন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। এই স্টেডিয়ামের পাশেই রয়েছে মাওলানা ভাসানি হকি স্টেডিয়াম। উপর থেকে পাশাপাশি দুটি স্টেডিয়াম দেখতে বেশ সুন্দরই লাগে। अच्छा मैं दोबारा वीडियो स्टॉप करता हूँ। ऊपर टाइटल में लिखा गया कि बंगा बंधु नेशनल स्टेडियम न्यू डिज़ाइन। मुझे लगा ये क्रिकेट स्टेडियम है, कन्फ्यूजन मुझे उस टाइम हुई, मैंने टाइटल को और से नहीं देखा तो कन्फ्यूजन हुई है। लेकिन ये है जो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, जो नेशनल गेम्स होते हैं, उस तरह का ये स्टेडियम है, ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। ये अभी कंफर्म हो गया कि ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, उस तरह का वो ट्रैक बना रहे हैं यहाँ पर फुटबॉल होता है, और सामने आपको जो नज़र आ रहा है ना ट्रैक्स वगैरह उस तरह के। मैं कंफ्यूजन में था कि ये क्रिकेट ग्राउंड है क्योंकि ये बिल्कुल गोल है और उसी तरह का लग रहा है। तो उसके लिए अगर आप सोच रहे कि मुझे नहीं था पता, सच बता रहा हूँ उसका मुझे नहीं था, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये चीज़। तो मुझे अभी गौर से देखा क्योंकि मैं सोच रहा ये क्रिकेट स्टेडियम है, जब ये फुटबॉल वगैरह और ये ट्रैक देख लिया तो कन्फ्यूजन हो गई। तो ये है नेशनल स्टेडियम, जिस तरह होते एक कंट्री के नेशनल गेम्स होते हैं, ये उसका स्टेडियम है। এই স্টেডিয়ামের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলে अभी ये डिजाइन আছে, ये बनाएंगे। জানা গিয়েছে সাতটি প্রকল্পের মধ্যে এখন একযোগে চলছে পাঁচটির মতো, বাকি দুটোর মধ্যে চেয়ার বসানো এবং ফ্লাডলাইট সংযোজনের কাজগুলো শুরু হবে শীঘ্রই। तो लाइट्स तो ये सामने है, ये देख लिए एक लाइट, तो ये खंबा जो नजर आ रहा है ना, ये लाइट्स है, एक तो मिल गया। পুরো সংস্কার কাজের জন্য ব্যয় হবে 100 কোটি টাকার মতো, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি 20 থেকে 22 কোটি টাকা লাগবে গ্যালারিতে শেড বসাতে, চেয়ার বসাতে লাগবে 18 থেকে 20 কোটি টাকার মতো, ফ্লাড লাইট পরিবর্তন করতে লাগবে 15 থেকে 20 কোটি টাকা। এক ইয়ে এক ও হে দো হো গে एक वो हो गया तो तीन और एक इधर होगा जरूरी है, चार जो है वो लाइट्स का है। আমরা এর আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন পরীক্ষামূলকভাবে দেশীয় প্রজাতির ঘাস বসানো হয়েছিল। জানতে পেরেছি সেই ঘাস বেড়ে ওঠা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখানে রোপণ করা হবে ইউরোপীয় ঘাস। বারমুডা, ইয়াঙ্গুন ও রয়্যাল বেঙ্গল এই তিন প্রজাতি ঘাসের মধ্য থেকে যে কোনো দুইটি প্রজাতির ঘাস রোপণ করা হবে মূল মাঠে। जी दोस्तों, वीडियो हमने देख लिए, ग्राउंड मैंने देख लिया है। जो स्टार्टिंग में मुझे कन्फ्यूजन हुई थी कि ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड है, उसको जो है रिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से दिखाया गया तो ये ट्रैक मुझे नज़र आया, दरमियान में ये फुटबॉल वाले जो खंबे हैं ये नज़र आए, साथ में ये जो छोटा ट्रैक है। तो मुझे लगा ये जो नेशनल गेम्स होते हैं, जिस तरह उसके लिए इस तरह के स्टेडियम्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर फुटबॉल भी होता है, रनिंग वाला गेम भी होता है, जंपिंग वाला भी होता है, टेबल टेनिस इनडोर्स गेम भी होते हैं। तो मुझे लगा कि ये उसको क्रिकेट का बना रहे हैं, लेकिन ये उसी को रिन्यू कर रहे हैं उस स्पोर्ट्स के लिए जो पहले से था। मेरे ख्याल में उस टाइम इतना मॉडिफाई नहीं था, अब इसको मॉडिफाई करें। सामने ये पवेलियन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा पवेलियन है। हर कंट्री का एक नेशनल गेम होता है, हर कंट्री में गेम्स होते हैं नेशनल। क्रिकेट तो एक इस तरह का गेम है जो वो आप इंटरनेशनली जब खेलते हैं तो पूरी दुनिया को आप नज़र आते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जो है बहुत ही इम्प्रूव कर लिया है, उन्होंने बहुत ही अच्छी टीम है। लेकिन इस तरह के जो खेल होते हैं वो मतलब जो टीम जिस कंट्री का प्लेयर्स मतलब मशहूर नहीं होते तो वो नहीं दिखाया जाता। हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह है कि जो स्क्वाश के प्लेयर्स है वो मशहूर है, टेनिस के भी हैं इस तरह। तो ये गेम जो है पाकिस्तान में भी नेशनल गेम खेला जाता है, तो उसमें इस तरह का जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाता है जिसमें आप हर तरह के गेम खेल सकते हैं। तो जगह बहुत ही प्यारी है यार, लोकेशन आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, बिल्कुल सिटी के दरमियान में बनाया गया है और सामने आपको हॉकी का ग्राउंड भी नज़र आ रहा है। तो वो तो ऑलरेडी रेडी हो गया है, तो उसमें तो कुछ भी मेरे ख्याल में अभी बाकी नहीं, उस पर तो आप खेल भी सकते हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत ही काम बाकी है। ऊपर से जो डिज़ाइन है वो भी बाकी है, नीचे जो ग्राउंड है वो भी दोबारा से रिन्यू होगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर जब बांग्लादेश के नेशनल गेम्स होंगे तो वो यहाँ पर खेले जाएंगे। तो वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा, अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।